खंजर का तीसरा हिस्सा। आखिर एक बाप अपने बेटे की जिद के सामने हार गया। जीत गया लाठी। ये जो तुम कर रहे हो उसका नतीजा जानते हो उमर? जी, दोनों की एक कमजोरी है, पर इसकी अम्मी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। बात हमेशा याद रखना अलादीन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सबकी हिफाजत करना बेटा। मैं अपना यकीन टूटने नहीं दूंगा अब्बू। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया। कालीन, या खुदा मेरे बच्चे के साथ रहना। सुल्ताना आंखें खोलिए, ऊपर वाले से डर मलिका, तेरे गुनाह वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सुल्ताना इतनी अल्लाह मदद कर। और चीखो और चिल्ला, हम भी तो देखे मदद करने के लिए कौन आएगा। आएगा नहीं, आ गया अलादीन, नाम तो सुना होगा। उबी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बखत कहां से आ जाता है जब देखो। खंजर का तीसरा हिस्सा मिला ना? जो सोचे जो चाहे वो करके दिखाएं, हम वो हैं जो दो और दो पांच बनाए। आका, ये कौन सा गाना है? है तो नहीं अंगूठी छाप, पर एक दिन बनेगा जरूर। हमें पता था तुम ये कर दिखाओगे, हम दुश्मन लेकिन तुम्हारे हिम्मत के कायल। चलो खंजर के तीसरे और आखिरी हिस्से को छूने के लिए हमारा हाथ बेताब हो रहा है। खंजर,
अरे बेगम कौन सा खंजर कैसा खंजर, चलो देखते हैं। चल सौदा पूरा करने का वक्त आ गया है। शैतान के खंजर का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें दे दो। नहीं, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। खंजर के तीनों हिस्से लाके मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी। अब मेरी अम्मी को ठीक करके तुम अपनी शर्त पूरी करो। बहुत खूब, पर वो तब भी पूरा हो सकता है जब शैतान का खंजर पूरा हो जाएगा। लाओ तीसरा हिस्सा हमें दे दो। नहीं आका, मैं क्या जिन्नात की दुनिया का हर एक जिन यही कहेगा, इस मलिका पर भरोसा मत करना। अंगूठी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काले चोर, अगर हमने इसे खंजर दे दिया तो ये अम्मी को ठीक करने की दवा हमें कभी नहीं देगी। हाँ भाई मेरे भाई, इस शातिर जादू करने का भरोसा कभी मत करना। चले अम्मी जब तक ठीक ना हो जाए इसे खंजर का तीसरा हिस्सा बिल्कुल नहीं देना। क्या मत देना? तीसरा हिस्सा? इस मत बोला करो। खामोश, वादा तोड़ने जैसे वाहियात काम इंसान करते, हम नहीं, हम मलिका है। इसी बात का तो डर है। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे तुम इंसानों की कोई औकात नहीं। यहां खड़े खड़े बकवास इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि हम करने दे रहे हैं। अब जल्दी से खंजर के तीनों हिस्से जोड़कर हमारे हाथ में दे दो, वरना रुखसार का वो हश्र करूंगी जो तुम लोग देख नहीं पाओगे। पर हमें मजा आएगा। ठीक है, मैं खंजर का तीसरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। क्या अलादीन? मैंने फैसला कर लिया अम्मी। क्या खूब फैसला किया है अलादीन, बरसों बाद कोई ऐसा इंसान तो मिला जो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। तो जैसा कहा वैसा करो। Thank you.
या अल्लाह। ये सब क्या हो रहा है अंगूठी छाप? दुनिया वालों, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। कसम सोने की अशर्फियों की, तो कौन सा मरा खंजर है जिसके बारे में पूरा आलम जानता है? बस बगदाद की अजीम शख्सियत आजमीन ही नहीं जानती। क्या कहने बेगम, वैसे तो तुम मल्लिका के इर्द गिर्द मक्खी बन के भिन्नाती रहती थी, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? खंजर तो छोड़ो, किसी सुई के बारे में भी नहीं बताया। पर खैर, हमें क्या, हम तो मल्लिका के खास हैं, जरूर इसमें हमारा कोई ना कोई फायदा होगा। इस खंजर को पाने के लिए मैंने सदियों इंतजार किया, आज मजा आ रहा है। आंखों के सामने बदल जाए मंजर, मल्लिका को दिखाई दे खंजर ही खंजर। ये क्या हुआ? इनमें से असली खंजर कौन सा है? सदियों से कर रही थी जिसका इंतजार तुम, वो हाथ मेरे लग गया, अब क्या करोगी बेटे की तुम? अलादीन, हम तुम्हें, मुझे नहीं, मेरी अम्मी को ठीक करो, नहीं तो ये खंजर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम नहीं जानते कि अब ये खंजर क्या करेगा, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, अब मजा आएगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया अलादीन। मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, अम्मी को ठीक करो, नहीं तो ये खंजर उलझा, नहीं तो तुम नहीं जानते कि मैं इस खंजर से क्या क्या कर सकता। गलत फहमी है तुम्हें लड़के कि तुम मलिका से शातिर हो। मेरा गुलाम, मेरा अजगर, मेरा बहादुर हाजिर हो। ये क्या है? मैं बहादुर, इन सब को खत्म कर दो। आ!
आप यही रहिएगा, आप यहाँ महफूज रहेंगे। यहाँ से हिले तो इसी आग में तुम्हें झुलसा दूंगी, सीधे खड़े रहो। मैं शुरू से जानता था मलिका कि तुम खंजर की मदद से सबको अपना गुलाम जिन बनाना चाहती हो और खिलौनों में कैद करना चाहती हो, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारे ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। सुल्तान, सुल्ताना संभल कर। मलिका को हराना किसी की भी बस की बात नहीं है, और तुम हो कि मानते ही नहीं। बस सब्र खत्म। शैतान तुम्हें गहरे मलिका से बचा। मैंने कहा था ना, तुम हमें रोक नहीं सकते हो अलादी। गलत जवाब मलिका, मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ और खत्म भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि शैतान का खंजर एक लौता हथियार है जो तुम्हारी जान ले सकता है। मलिका को तो आका संभाल लेंगे, इसके चमचों को संभालने की जिम्मेदारी आका ने हमें दी है, तो चलो फिर। चलो। अरे अब तुम इतनी बड़ी होके भी मुझे बहुत छोटी नजर आ रही हो मलिका। वो तुम्हारी नजर का खोट है, तुम्हारी नियत में खोट है। मेरे पास वक्त नहीं है मलिका, मुझे अम्मी को ठीक करने की दवा दो। हक से तो मैं तुमसे आधी रोटी भी नहीं मांगता। जितने हक से जिनको इंसान में तब्दील करने की दवा मांग रहा है। बेगम, अलादीन का पल्ला फिर से भारी हो गया, वो जीतने वाला है। कैद खाने जाने की तैयारी शुरू कर दो। चलो। अब तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम गई? चल के रुखसार के पांव पकड़ लेते हैं, शायद माफी मिल जाए और जान बच जाए। चलो। गुल्लू, मेरी चांद की बर्फी चोट लग गई। आप लोग हर बात बनती बात में टांग अड़ाकर सब बिगाड़ देते हैं ना। नहीं वो हम पहले से ही तुम दोनों का इंतजाम कर रहे हैं। अरे नहीं अंगूठी चाप, हम दोनों तो सुधर गए हैं, बिल्कुल सुधर गए हैं। बेटा समझाना बेटा, समझाना बेटा। अंगूठी चाप, तुम दोनों में है लालच खास।
बन जाए रस्सी से तुम दोनों के हाथ। खास मैं तो किसी का खास नहीं हूँ, ये मल्लिका की। सारे खास काम क्या खाने में करिएगी। चलो मेरे बच्चे ले 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 ले। अरे हाँ, मेरी अम्मी को ठीक करने की दवा मुझे दे दो मल्लिका, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला और कम हो जाएगा। बस कुछ लम्हे और अलादीन, तुम्हारी बर्बादी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.